हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जानेंगे उस मंदिर के बारे में जो हर धर्म के लोगों को एक मानती है। इस मंदिर में प्रवेश करने के लिए न ब्रिटिश समय जातियां देखी गईं, न आज देखी जाती हैं। 2017 में इस मंदिर को पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा देखने वाली जगह के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सम्मानित किया गया है। इस मंदिर का नाम गोल्डन टेम्पल। मंदिर की स्थापना का श्रेय सिखों के गुरु रामदास जी को है। गोल्डन टेम्पल के चारों तरफ अमृतसर शहर बसा हुआ है, जो कि भारत के पंजाब राज्य में आता है। अमृतसर का सबसे बड़ा आकर्षण है स्वर्ण मंदिर। इस मंदिर का निर्माण 1581 में आरंभ हुआ था और 1604 में पूरा हुआ। गोल्डन टेम्पल की नींव एक मुसलमान ने ही रखी थी। इतिहास के मुताबिक सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव जी ने लाहौर के एक सूफी संत साईं मियां मीर जी से दिसंबर 1577 में गुरुद्वारे की नींव रखवाई गई थी। गोल्डन टेम्पल कई बार नष्ट किया जा चुका है, लेकिन लोगों की श्रद्धा और भक्ति के कारण इसे लोगों ने दोबारा बनवाया। जितनी भी बार इसे नष्ट किया गया और फिर से बनवाया गया, वो हर घटनाएं मंदिर के अंदर दर्शाई गई हैं। महाराज सरदार जसा सिंह ने 17वीं सदी में इसे दूसरी बार बनवाया। फिर अफगान के हमलावर ने स्वर्ण मंदिर को नष्ट किया 19वीं शताब्दी में। तब महाराज रंजीत सिंह ने इसे दोबारा बनवाया, सोने की परत और संगमरमर से इसे सजवाया। इस मंदिर को सोने की परत से ढकने के लिए करीब 750 किलो सोने का इस्तेमाल हुआ। इससे न सिर्फ मंदिर की खूबसूरती बढ़ी, बल्कि एक नया नाम भी मिला, स्वर्ण मंदिर, गोल्डन टेम्पल। उस समय भी समाज चार जातियों में बटा था और निचली जातियों को अनेक मंदिर आदियों में प्रवेश करना मना था, लेकिन गोल्डन टेम्पल के चार दीवारों पर एक एक दरवाजा उन चारों जातियों को आमंत्रित करते हैं। हर धर्म के लोगों का यहाँ स्वागत किया जाता है। लंगर का प्रसाद ग्रहण करने के लिए सब लाइन में साथ बैठा करते हैं, भले वो किसी भी धर्म के हों, वहाँ सबको समान माना जाता है। गोल्डन टेम्पल का मुख्य मंदिर सरोवर के बीचों बीच स्थित किया गया है और वहां तक पहुंचने के लिए एक 60 मीटर का लंबा सुंदर पुल बना है। पहली मंजिल पर गुरु ग्रंथ साहिब विराजमान है। यहां पर सुबह के 3 बजे से रात 10 बजे तक गुरु ग्रंथ साहिब के अखंड पाठ होते हैं। बिना पैर धोए और सर ढाके कोई अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। एक प्रचलित लोक कथा के अनुसार राम जी के दोनों पुत्र लव कुश यहाँ सरोवर के पास विद्या और रामायण पाठ के लिए आए थे। 1574 में गुरु रामदास जी ने यहाँ पर एक पुराने सरोवर के किनारे डेरा डाला था। यहाँ फिर भक्तों की भीड़ होने लगी। बाद में गुरु साहब ने सरोवर और उसके आसपास की जमीन खरीद ली और भक्तों ने एक बड़ा सरोवर खोद दिया। वहाँ गुरु के निवास स्थान को गुरु के महल का नाम दिया गया और बस्ती रामदास पूरा बस गई। सरोवर के पास इस बसी बस्ती का नाम अमृतसर रखा गया। रामदास जी की ये इच्छा थी कि यहाँ पर मंदिर बनवाकर एक विशाल धार्मिक केंद्र की स्थापना की जाए, लेकिन 2 वर्ष बाद ही गुरु रामदास जी का निधन हो गया। बाद में उनके पुत्र और उत्तराधिकारी गुरु अर्जुन देव जी ने सन 1601 में सरोवर के पास मंदिर निर्माण का कार्य पूरा किया और गुरु ग्रंथ साहिब को विराजमान किया। तभी से सिखों और बाकी धर्म के लोगों के लिए ये महान जगह बन गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।